बॉलीवुड की नई दुल्हन यानी परिणीति चोपड़ा के शादी के पहले बार साड़ी में रैंपअप करती नजर आई। परिणीति फैशन डिजाइनर काउंसिलर ऑफ इंडिया एक्स लक्ष्मी फैशन वीक के फेबियन के लिए शो टॉपर बनी। इस दौरान नई नवेली दुल्हन हाथ में चूड़ा और मांग में लाल सिंदूर लगाए नजर आई। शादी के बाद पहली बार था जब शादी के बाद वो किसी फैशन इवेंट में नजर आई। परिणीति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिणीति चोपड़ा ने 24 सितंबर को उदयपुर में आम आदमी पार्टी के नेता सांसद राघव चड्ढा से शादी की। परिणीति अभी नई नवेली दुल्हनिया है, इसलिए सोशल मीडिया पर उनकी शादी से लेकर नए घर में हुई जबरदस्त एंट्री की वीडियोज और तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। मिसेस परिणीति बनने के बाद वो पहली बार रैंप वॉक के लिए उतरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके इस अंदाज को लोगों ने पसंद नहीं किया। रैंप वॉक के लिए परिणीति पॉल आइवरी साड़ी चूड़ा और सिंदूर से सजी धजी बेहद सही लग रही थी, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को उनका ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। साड़ी के साथ गले में चमचमाता हार, मांग में सिंदूर, हाथ में गुलाबी चूड़ा पहना था। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनका ये लुक को देखकर तो कहा कि उन्हें दुल्हन वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है। कुछ ने कहा चलो शुक्र है कि सिंदूर तो लगाया। एक यूजर ने लिखा मैं मोटा कितना हो गया है। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I